द्वारा प्रत्येक जिलों में दो दिवसीय चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर जनपद में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोराबार में राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी की अध्यक्षता में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए मिशन शक्ति को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने के निर्देश दिए गए। वहीं जिला प्रोबेशन अधिकारी सरजीत सिंह ने विद्यालय की शिक्षिकाओं और छात्राओं को उनके हक के प्रति जागरूक करते हुए किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल संपर्क करने की बात कही। स्कीम आपके विभाग से भी चलता होगा, चल रहा है, जैसे शिक्षा विभाग से यहाँ तक कि अगर फोन लाख है तभी इमरजेंसी कॉल उससे हो जाते हैं, ठीक है। परिवार के जागरूक न होने की वजह से न तो वो अभी विद्यालय में घर पे जा पा रहे हैं, उनके संबंधी में कोई ऐसा मिल जाए जो प्रक्रिया को पूरा करता हो तो उनके माध्यम से सूचना मिल जाए। मेरा कन्या सुमंगला योजना के बारे में मैडम बताइए, कह सकते हैं कि धन की तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ भी स्कूलों में सब कुछ फ्री है, दोपहर का भोजन भी फ्री है, तो लापरवाही कर सकते हैं। हमारा 112 है तो सभी जगह काम करता है, कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ किसी के साथ हुआ या फिर कोई और भी किसी तरह की घटना है तो बच्चों को उपयोग की सभी चीज़ें सरकार दे रही है, पढ़ाई निःशुल्क है तो, और साथ में साथ देखिए जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं आवासीय विद्यालय यहाँ पे तो आपको। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने बताया, हर जिले में जिसमें हम हर जिले में जाते हैं, पहले दिन तो जन सुनवाई होती है, उसके बाद चौपाल लगती है, वहाँ महिलाओं की समस्याओं का समाधान उसका निस्तारण करते हैं और चौपाल के माध्यम से सरकार की योजनाओं का के बारे में महिलाओं को चौपाल के माध्यम से बताते हैं कि सरकार की ये योजनाएं चल रही हैं और उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं ताकि बहनें जान जाएं और उससे वो फ़ायदा उठाएं, उनको लाभ मिले। होली एवं पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जिलाधिकारी के निर्देश